पिछले दिनों जारी हुए जीडीपी के नए आंकड़े साल 1996 के बाद जीडीपी में आई सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% यानी लगभग 24% की गिरावट दर्ज की गई। इसका असर क्या होगा, क्यों दर्ज की गई है ये गिरावट और इन सबसे पहले क्या होती है जीडीपी, बताएंगे आपको आज के पॉडकास्ट में। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो सुन रहे हैं आप, मैं हूं अंजुम शर्मा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो दरअसल किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी विशेष वर्ष में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होता है। जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर वर्ष 2020-21 में जितने भी गुड्स और सर्विसेज उत्पादित होंगे उनके योग से जीडीपी निर्धारित होगी। भारत में ये काम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ हर 3 महीने पर यानी साल में 4 दफा करता है और इसके साथ ही सालाना जीडीपी ग्रोथ की आंकड़े भी जारी करता है। इस साल की पहली तिमाही के लिए अनुमान लगाया गया था कि भारत की जीडीपी की दर 18% तक गिर सकती है, लेकिन ये गिरावट उससे ज्यादा हुई। दिव्यवदान एस परिहार ध्येय आईएएस में भूगोल और अर्थव्यवस्था के अध्यापक हैं। वो इस गिरावट के कई कारण बताते हैं। मेरे अनुसार इस प्रकार की गिरावट के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं जो उत्तरदायी हैं। पहला, कोविड महामारी के पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी। जनवरी से मार्च की तिमाही में ग्रोथ रेट मात्र 3.1% थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से अत्यंत कम है। दूसरा, हाल फिलहाल के वर्षों में महंगाई से बचने के लिए बैंकों ने लोन की दरों को महंगा कर रखा था, जिसका घरेलू निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आई और उत्पादन में कमी का प्रभाव रोजगार के स्तर पर पड़ा। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो उनकी खरीदने की क्षमता में कमी आती है, जो कि अर्थव्यवस्था में सकल मांग में कमी के रूप में सामने होती है। तीसरा, 25 मार्च से लागू कंप्लीट लॉकडाउन के कारण सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद होने से वैश्विक स्तर पर भारत की जीडीपी में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल है कि इस गिरावट की गणना आखिर कैसे की गई, यानी जीडीपी मापने के कुछ आधार तो होंगे। तो आपको बता दूं कि फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए मुख्य रूप से 8 सेक्टर से आंकड़े लिए जाते हैं। पहला है कृषि, जो इस गिरावट की तिमाही में एकमात्र पॉजिटिव ग्रोथ वाला सेक्टर था। दूसरा है माइनिंग और क्वेरिंग यानी खनन और उत्खनन। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर। चौथा, फॉरेस्ट्री और फिशिंग यानी वानिकी और मत्स्ययन। पांचवा, इलेक्ट्रिसिटी और गैस आपूर्ति। छठा, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, परिवहन और संचार। सातवां, फिनेंशियल, रियल स्टेट और बीमा सेक्टर। और आठवां है बिजनेस सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं। यानी ये 8 सेक्टर मिलकर जीडीपी के आंकड़े निर्धारित करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी डेटा में असंगठित सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है, जो देश के 90% रोजगार का दायित्व उठाता है, और इसे अर्थशास्त्री जीडीपी की गणना में सबसे बड़ी कमी बताते हैं। तो जिन 8 सेक्टरों का नाम मैंने आपको बताया, उनके डेटा को लेकर क्या विधि अपनाई जाती है? क्या जीडीपी गणना की एक विधि है या उससे ज्यादा? दिव्यवदान परिहार: देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की गणना 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला, आय विधि के द्वारा। दूसरा, व्यय विधि के द्वारा। और तीसरा, उत्पादन विधि के द्वारा। ये तीनों ही विधियां आपस में अंतर संबंधित होती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में उत्पादन की क्रिया प्राथमिक होती है, तथा जीडीपी की गणना की प्रक्रिया में उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी की गणना को प्रमुखता दी जाती है। जीडीपी की तुलना किसी छात्र की मार्कशीट से की जा सकती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा है, उसी प्रकार जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि किसी भी देश में जीडीपी की गणना सरल एवं सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि जीडीपी आंकड़ों की गणना के समय कुछ कारणों से इसमें त्रुटियां आने की संभावना होती है। अतः इसको अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर होती है। ये आंकड़े दरअसल जीडीपी की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसमें आंकड़ों पर महंगाई,
या इनडायरेक्ट टैक्सेज इत्यादि का प्रभाव शामिल होता है। दूसरा, जीडीपी एट बेस प्राइस, इसकी गणना के लिए एक आधार वर्ष रखा जाता है जिससे आंकड़ों पर महंगाई या मंदी के प्रभाव को हटाया जा सके। और तीसरा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इस प्रकार की गणना में प्राप्त आंकड़ों पर टैक्स या सब्सिडी के प्रभाव को हटाया जाता है जिससे वास्तविक रूप से जीडीपी की जानकारी हमें मिल सके। वैसे जीडीपी के घटने बढ़ने में हमारे आपके खर्च से लेकर प्राइवेट सेक्टर, सरकारी खर्च और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा योगदान होता है। लेकिन सवाल है कि कोविड-19 के कारण जब पूरे विश्व में गिरावट दर्ज की गई तो चीन सकारात्मक स्थिति में रहा कैसे? ये सवाल जब मैंने दिव्यवदान परिहार से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे की कई वजह है जिसमें एक वजह चीन के बाजार में मांग का सस्टेनेबल बने रहना है। चीन को कंप्लीट लॉकडाउन का सामना अन्य देशों की तरह नहीं करना पड़ा, उसका एक वुहान क्षेत्र ही इस महामारी से प्रभावित रहा। यही कारण है कि कंप्लीट लॉकडाउन का सामना न करने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं लगातार निरंतर चलती रहीं। दूसरा, इस महामारी के दौरान चीन को बड़े घरेलू बाजार का समर्थन प्राप्त हुआ। चीन के बड़े घरेलू बाजार ने अर्थव्यवस्था में आवश्यक मांग बनाए रखी जिसकी वजह से उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट दर्ज नहीं हुई। इसी तरह अगर हम देखें तो महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को जहां कंप्लीट लॉकडाउन के कारण वह अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वहीं अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन से उन्होंने आयात बढ़ा दिया जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में एक न्यूनतम स्थिरता बनी रही। चौथा, चीन की अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष सेक्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक होने के कारण उछाल आया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इत्यादि। यही कारण है कि चीन की अर्थव्यवस्था में एक न्यूनतम स्थिरता या सकारात्मक समृद्धि देखी जा सकती है। अभी तक जितनी बातें आपने समझी उससे ये पता चलता है कि जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालत का संकेतक होती है। इसे लोगों की आय से जोड़कर भी देखा जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें कि जितनी जीडीपी बढ़ी या घटी उतना ही आपकी आय पर असर हुआ। चूंकि इसमें असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा शामिल नहीं है तो जाहिर है उस क्षेत्र की हालत और ज्यादा खराब है। अब देखना यह होगा कि सरकार कैसी नीतियां लाती है, रोजगार कैसे बढ़ाती है, रिवर्स माइग्रेशन के तहत जो लोग अपने घरों की ओर लौट गए हैं कैसे उन्हें वापस लाया जा सकता है, और जिन 8 सेक्टर्स पर जीडीपी के आंकड़े निर्भर हैं उन्हें कैसे नकारात्मक ग्रोथ से सकारात्मक की ओर लाया जाए। ये सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।